Rahman Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today is our lecture number 10 for a class pre-9th of a subject computer science, and we are reading chapter number 3, Office Automation. This is your book title page and this is your introductory page of your unit number 3, Office Automation. Now let's start to another topic, changing margins. अब आप लोगों का कह रहे हैं कि चेंज करना है अब आपने मार्जिन्स को. अभी आप लोग एमएस वर्ड के डिफरेंट प्रोसेस से गुजर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की है, पेज की सेटिंग्स की हैं. इसके अलावा वर्ड आर्ट के साथ हम लोगों ने देखा था कि वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. मुख्तलिफ हम लोगों ने इसमें फॉर्मेटिंग्स के प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ अब इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं चेंजिंग मार्जिन्स. मार्जिन्स हमारे पास एजिंग जो पेज होता है, जो एज आपके पास आता है, या आप वैसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पेज एंड अ टेक्स्ट. ठीक है, जो आपका पेज होता है और जो आपके टेक्स्ट के दरमियान का जो फासला होता है वो आपका मार्जिन होता है. और इसमें आप लोग कोई लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या उसको मेंशन वैसे ही कर सकते हैं. अब इसमें देखें कि वो बता रहे थे, देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर चेंजिंग मार्जिन. क्लिक पेज लेआउट, हम लोगों ने क्या करना है, पेज लेआउट टैब को क्लिक कर लें. क्लिक मार्जिन इन द पेज सेटअप ग्रुप, अब क्या करेंगे, पेज सेटअप ग्रुप में से मार्जिन को क्लिक कर लें. Select margins from the drop-down menu. Click custom margins or the set required margins in the margin tab of page setup dialog box. ठीक है, अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने इस तरह से आएगा, लाइक दिस. ठीक है, अब आपने उसमें से क्या करना है कि कस्टम मार्जिन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस वो आपको मार्जिन पर करेगा, या फिर आपके पास रिक्वायर्ड मार्जिन को यहाँ पर सेटिंग में दिए भी होंगे, आप उसमें से कोई भी चूज कर लें और क्लिक करेंगे ओके को, तो आपके पास जो चेंजिंग्स होंगी वो अपीयर हुई भी नज़र आएंगी. जैसे कि ये है, ये आप लोग पिक्चर नंबर 1 में देखें, ये कि इसमें अब अगर देखें आप पेज विद अ नॉर्मल मार्जिन, जिसमें हमारे पास क्या है कि नॉर्मल मार्जिन, यहाँ पे देखें आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये आपका पेज का एज है. ठीक है, इसके दरमियान का जो आम फासला होता है वो इतना ही होता है. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नैरो मार्जिन करते हैं तो यहाँ पर देखें कि आपका ये जो मार्जिन डिस्टेंस है ये अब यहाँ पर कम हुआ हुआ है और आप लोगों का यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा ही फॉर्म में क्लोज होकर लिखा गया है. ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से मार्जिन जो कम कर दी, यहाँ से इतनी ज़्यादा स्पेस जो थी वो अब आपके पास पीछे को मूव कर गया, इस वजह से वो सारा टेक्स्ट जो है इस तरह से पोजीशन पर मूव कर गया. ठीक है, अब इसी तरह से देखिए कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है यूजिंग हाइपरलिंक. अब हम लोगों ने हाइपरलिंक का इस्तेमाल कैसे करना है, डू यू नो, डू यू नो में देखिए, अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट. वेब पेज हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है विच कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर, जो कि क्या करता है कि वेब ब्राउजर का पेज डिस्प्ले करता है, जैसे कि सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज. ठीक है, समझ में आ रही है, वेब पेज का जो पेज मीन की पेज है, ऐसा ही पेज है जो कि क्या कर रहा है कि ब्राउजर को शो करता है, जिसमें गूगल क्रोम, इंटरनेट